नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मेरी तरह इनिशियल स्टेज में सबके मन में क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, क्या शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, या शेयर मार्केट में ऐसा क्या होता है कि सबके लिए एक अलग चीज़ बन चुका है। तो चलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम ABC है। अगर उस कंपनी को 50 लाख का इनिशियल कैपिटल चाहिए, जिसको बोला जाता है फंड, उस कंपनी को पूरा खड़ी होने में, पूरा तैयार होने में अगर 50 लाख का कैपिटल चाहिए और उस कंपनी के ओनर के पास 50 लाख रुपया नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं जो भी कंपनी खड़ा कर रहा हूँ या खड़ी कर रहा हूँ वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसके पास एक्चुअली दो ही ऑप्शन बचे रहते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन बना रहता है कि बैंक से लोन उठाना, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि शेयर करके उसको बेचना, जिसको इक्विटी फंड राइज भी बोला जाता है और पहले को डेप्ट फंड राइज भी बोला जाता है। तो बैंक से लोन उठाना तो सबको पता है, बैंक से लोन उठा के कंपनी खड़ी कर सकते हो आप, उसके बारे में उसके बदले में आपको बैंक को इंटरेस्ट प्लस आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो चुकाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में इसलिए लिस्ट होती है कि उनको जो भी फंड रेज करना है वो पब्लिक से सीधा पैसा उठाती है नंबर ऑफ शेयर बेच के, तो उनको पब्लिक को कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना है या प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं देना है। तो आप बोलोगे कि इसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ABC कंपनी थी उसको 50 लाख रुपया चाहिए था उसकी कंपनी खड़ी करने में, तो कंपनी इनिशियल स्टेज में 51% स्टेक, मोर देन 51% भी रख सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में मान लीजिए 51% उन्होंने अपने पास स्टेक रख दिया। स्टेक यानी हिस्सेदारी, 51% हिस्सेदारी अपने पास रख ली और 49% की जो भी हिस्सेदारी होगी उसको नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया जाता है। तो जो भी नंबर ऑफ शेयर रहेंगे उसका जो उसकी जो फेस वैल्यू रहती है वो मिनिमम ₹1 होनी चाहिए एज पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गाइडलाइंस। तो आप जो भी शेयर लिस्ट करना चाहते हो उसका मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम प्राइस ₹1 होना चाहिए। तो मान लीजिए 49% का जो स्टेक था वो पब्लिकली जब भी इशू किया जाता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में वो बेचा जाता है, जिसको IPO भी बोला जाता है। तो उसी समय आपको उस कंपनी के जो भी हिस्सेदारी खरीदनी है तो नंबर ऑफ शेयर्स में ले सकते हो। तो मान लो उस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 है और आपने उसको 100 क्वांटिटी उसकी खरीद ली, तो आपने इन्वेस्ट किया ₹100, शेयर भी आपके पास आ चुके हैं 100। कुछ दिन के बाद वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तो उनका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया तो उनका जो शेयर वैल्यू था वो भी बढ़ेगा। मान लीजिए ₹1 का शेयर था, उसका अभी वैल्यू बन चुका है ₹2, तो जो पब्लिक थी उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे तो उनको एक शेयर के पीछे ₹1 का प्रॉफिट बन गया। और एक चीज़ है जो पब्लिक को प्रॉफिट दे सकती है वो है डिविडेंड। हर एक कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हर 4 महीने के बाद अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट सादर करती है, तो उसमें उनका जो भी प्रॉफिट होता है घाटा होता है उसी हिसाब से कुछ डिविडेंड, मतलब उनको जो मिला है लाभांश उसमें से कुछ डिविडेंड जो अपने शेयर गेनर है जिन्होंने शेयर खरीदा था उनको डिवाइड करके दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो वो एक है जो पब्लिक को मिलता है, और जो भी कंपनी का स्टेक शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा। तो एक्चुअली इसी को शेयर मार्केट बोला जाता है, इससे कुछ अलग चीज़ नहीं है, इतना सिंपल है, आप समझ लो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी शेयर मार्केट में सब बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ट्रेडिंग करनी है। कुछ आपने सुना होगा कि मेरा दोस्त ट्रेडिंग करता है, और कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो मैं सबसे सिंपल फंडा आपको बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, कोई भी पब्लिक कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है एक्चुअली उसका एक ही पहलू है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा और उसको बेच दिए,
तो दोनों के बीच में जो व्यवहार बना उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। जैसे कि आपने कुछ कंपनी का शेयर्स खरीदे 100 और कुछ दिन के बाद उसका प्राइस बढ़ने के बाद उसको बेच दिया, तो खरीदा भी आपने बेचा भी आपने, तो जो टर्नओवर हुआ उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। और ये जो ट्रेडिंग है आपको जो ऑफर करते हैं वो इंडिया के सबसे दो बड़े बेस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो दूसरा है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बड़े पैमाने में वहाँ पे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। सेकंड में लाखों से ज़्यादा शेयर वहाँ पे ट्रेड होते हैं, लेकिन 90s के दशक में ऐसा नहीं होता था दोस्तों। उस समय आपको फिजिकली डिलीवरी लेनी पड़ती थी शेयर की, और आपको जो भी शेयर खरीदना है तो आपको फिजिकली सब करवाना पड़ता था, जैसे कि कागज़ में लिखावट होती थी। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में आप ये सब चंद सेकंडों में कर सकते हो, एक क्लिक में कर सकते हो। तो आपको तो ये पता ही होगा, लेकिन जो ट्रेडिंग है तो जो भी शेयर की खरीदी और बिक्री होती है उसके बीच में जो भी व्यवहार होता है उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर को खरीदो और कुछ समय के बाद उसको बेचो, उसको ट्रेडिंग बोला जाता है, जिसमें वॉल्यूम लिक्विडिटी अलग से वर्ड आते हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं जानकारी आपको दे दूंगा ये सब चीज़ें क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आपको लगा होगा कि ये सब ठीक है, शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार नहीं है, यहाँ पे कोई भी आके पैसा लगा सकता है, कमा सकता है आसानी से। ट्रेडिंग के बारे में भी आपने बता दिया, तो ये भी बता दीजिए कि ट्रेडिंग होता कैसा है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल तीन ही चीज़ है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहला है डीमैट अकाउंट, आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कैपिटल, जिसको बोला जाता है पैसा, सबको पता है पैसा भाव भगवान है, वैसे ही पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास। और तीसरी चीज़ सबके पास नहीं होती है, लेकिन आप उसको स्टडी करके ले सकते हो, उसको बोला जाता है दोस्तों नॉलेज। अगर पैसा है, डीमैट अकाउंट है, फिर भी आपको आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है। ये सब चीज़ें मैं अपने चैनल में धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, उसके से अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि नॉलेज कैसे गेन करना है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जो भी वीडियो आते रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो ट्रेडिंग के भी कुछ अलग से टाइप होते हैं, जैसे कि स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कोई अगर टीचर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके भी टाइप होते हैं, वैसे भी ट्रेडिंग के टाइप होते हैं। आपने तो अभी आप बोलोगे आपने बता दिया बहुत बड़ा कुछ ये रहेगा, नहीं है ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। मेनली पाँच ही टाइप होते हैं ट्रेडिंग के, स्कैल्पिंग होता है, डे ट्रेडिंग होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, और स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। दोस्तों ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है उसके लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडर ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन करते हैं, उसका टाइम फ्रेम 1 सेकेंड से लेके 2 या 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म होता है। कुछ पॉइंट्स के लिए आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे, जैसे कि मान लो 10-20, मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर शेयर के बारे में बताना चाहूँगा तो 1-2 रुपये के लिए ट्रेडिंग होती है, लेकिन क्वान्टिटी बढ़ा रहता है, क्वान्टिटी का साइज़ बढ़ा रहता है दोस्तों, तो उसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। मतलब कुछ मिनट के अंदर आप ट्रेडिंग खत्म करके निकल सकते हो, लेकिन इसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मैंने पहले आपको बताया शेयर मार्केट में पैसा और डीमैट अकाउंट होने के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है नॉलेज। जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और एक्सपर्ट है और एक्सपीरियंस है वो स्कैल्पिंग करते हैं, आप भी कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी मैं बताता रहूँगा। और दूसरा है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का जो समय है सर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका जो टाइम फ्रेम है वो रहता है 9:15 से 3:30 के बीच में, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। तो उसी के बीच में आपका जो भी है शेयर खरीदना बेचना उसी के बीच में करना है। तीसरा है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग एक्चुअली यही होता है, मान लीजिए कि कुछ आपको पता है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, सब जाके कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, कोई टीवी खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि दीपावली के त्यौहार पर मैं एक कार खरीदूंगा, नहीं तो एक 2-व्हीलर खरीदूंगा। तो जैसे कि मेरे मन में भी लगता है कि दीपावली को कुछ खरीदना है, वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो खरीदना है। तो एक व्यू बन जाता है कि जो भी मोटर व्हीकल ट्रेडिंग व्हीकल सेक्टर के जो शेयर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो शेयर्स है वो बढ़ेंगे, एक्चुअली बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, कुछ मोमेंट तो करेंगे। तो उस मोमेंट का जो फ़ायदा उठाते हैं और उस फायदे का
फायदे को लेके जो ट्रेडिंग करते हैं उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोला जाता है। और चौथा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना पता होना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आपको स्विंग लो से लेके स्विंग हाई के बीच में करनी होती है। अभी आप बोलोगे ये क्या बोल दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्विंग हाई स्विंग लो, इसके बारे में अलग से जानकारी तो बता ही दूंगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में बता देते हैं कि शेयर का जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो फासला होता है उसके बीच में जो ट्रेडिंग की जाती है उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। मान लीजिए एक शेयर है वो अभी 100 रुपये के आसपास है और उसका सपोर्ट 90 रुपीज़ है और उसका जो रेजिस्टेंस है 110 रुपीज़ है, तो जब भी ये 90 रुपीज़ के आसपास आएगा तो आप उसको खरीद सकते हो, और जब भी ये 110 के पास जाएगा तो आप उसको बेच सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो ट्रेडिंग किया जाता है तो उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और आखिरी और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है पोजिशनल ट्रेडिंग। दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग तो बहुत ही मतलब जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत दिनों से कर रहे हैं वो करते हैं, और उसके लिए मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए के आसपास लगता है, और ये ट्रेडिंग का जो समय समय सीमा है ये 1 हफ्ते से लेके 1 मंथ से लेके 1 सालों साल भी चल सकता है, उसमें रोल ओवर होता है। अभी ये रोल ओवर क्या होता है उसके बारे में अलग से जानकारी बताएंगे, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग का फ्रेम आप टाइम फ्रेम समझ लीजिए 1 डे से लेके 1 साल तक भी हो सकता है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, स्कैल्पिंग विद इन मिनट हो जाता है, डे ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 बजे, मोमेंटम ट्रेडिंग मैंने आपको बताया त्यौहार के जैसे कुछ मोमेंट दिखे तो उसमें होता है, स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कैपिटल एक्सपीरियंस और इसी के साथ साथ 1 डे से लेके सालों तक का उसका टाइम फ्रेम बन जाता है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दी है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कीजिए।